हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं सुबह सुबह उठ के आ गई हूँ बाहर। आज मैंने सोचा वर्कआउट कुछ डिफरेंट करते हैं, तो वॉक पे चलते हैं। तो मैं आज आ गई हूँ वॉक के लिए, और मैं अपने साथ लेकर आई कुकी को। मैंने सोचा चलो कुकी को भी वॉक करा दे, बड़े दिन हो गए कुकी भी नहीं गई है, क्योंकि गौरव की शाम की शिफ्ट की वजह से ना हम जा नहीं पाते हैं। ये देखना फ्रेंड्स क्या करी जा रही है, ये लोट पोट हो जा रही है। पता नहीं यहाँ पे आके ना कुछ इसको स्मेल आती है, क्या होता है यहाँ पे आके ऐसे रोल पोल सी हो जाती है कुकी। ये देखो आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। कुकू क्या कर रहा है? बुबू चलो चले चो। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर और बज गए हैं 10। गौरव ने जाना है अपने कायरो सेशन के लिए आज अभी थोड़ी देर तक, तो मैं उसके लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि फिर वो लेट हो जाएगा। अब वापस आने में खाने में तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि आके उसे फिर काम पे भी जाना है। तो चलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स हुआ क्या ना, मैं 2 मिनट गई थी गौरव के पास पूछने कि वो कितनी देर में आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो कहता है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएगा अभी, क्योंकि कायरो का सेशन है तो उसको कुछ खाना नहीं है, कहीं उसको वॉमिट ना हो जाए। तो मैंने अब गैस कर दिया बंद, और मैं अपने बर्तन वर्तन धो के मैं उसके टिफ़िन जो बना के पैक करना वो कर रही हूँ। और आज मैं उसको टिफ़िन में दूंगी पनीर की सब्ज़ी के साथ कीनुआ। तो मैंने कीनुआ बॉयल होने रख दिया, और पनीर की सब्ज़ी तो मैंने बनाई ही थी, वो पड़ी हुई है फ्रिज में। तो फिर वो ब्रेकफास्ट जब आके करेगा, तो फिर जब आएगा तभी मैं बनाऊँगी फ्रेश उसके लिए। बेबी भी उठ गया। बेबी गुड मॉर्निंग। जा रहे हो आप अपने कायरो सेशन के लिए? सीधा वहाँ से घर आओगे कि वो गाड़ी लेके जाओगे? लेके जाओगे, तो मतलब कि आप आओगे 11:30 बजे। तो ब्रेकफास्ट नहीं करके जा रहे हो आप? तो कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी पी लो थोड़ी सी। बैड मैनर्स। अंडा सड़ा नहीं है, स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए हैं। कैसी? खाना जला दिया। हाँ मैंने खाना जला दिया। मैं कहा तुझे जला हुआ खाना खिलाऊंगी मैं। इसका तो ना 5 मिनट बाद ही ऐसे जाता है, पापा 5 मिनट बाद ही जाके चाय आए। बेब आई लव योर टी शर्ट, बहुत सोहनी है। होर भी कहता कायरो वाला फिर तो फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ, मैंने फटाफट नहा के रेडी हो लिया है, और मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है हमें। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एग्ज ही बना रही हूँ, बट मैं एग्स के साथ ब्रेड नहीं बना रही हूँ आज। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट रैप्स, जिसमें मैं डालूंगी अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स, थोड़ी सी वेजीज मेयो चीज़। तो मैं बनाती हूँ और फिर हम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और क्योंकि दोपहर है और गर्मी है, इस बार हम फिर से लेकर आए हैं वाटरमेलन, और देखते हैं इस बार हमारा वाटरमेलन काट के कैसा निकलता है। मुझे होप्स तो बिल्कुल भी हाई नहीं है वाटरमेलन के साथ, बट लेट्स सी। फ्रेंड्स वापस से हम तरबूज लेके आए थे, और देख लो इसका रंग बेकार। मुझे लगता है आज भी हमारा पॉपर्टी होने वाला है। कैसे तीनों बच्चे सोए हुए हैं, वो भी सोया हुआ है, ये भी सोया हुआ है, ये भी सोई हुई है। कैसा करो वाटरमेलन? ठीक है, पोपट तो नहीं हुआ, मिठा है। वॉट इसके ऊपर चाट मसाला डालना, ऐसे ही ठीक है। सुस्ती मार रहे हो ना आज तुम, मैंने तुमको कहा था तुम सो जाओ थोड़ी देर, काम पे जाना तुमने। बीबी क्या कर रहा है? टाइम हो रहा है जाने का? हाँ सो फ्रेंड्स गौरव हो गया रेडी जाने के लिए, और आज वो गाड़ी लेके नहीं जा रहा, वो बाइक लेके जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और ये चले राइडर जी अपनी बाइक निकालने। बाय बाय। ना गौरव के जाने के बाद युवान सो गया था, और मैं भी उसके साथ लेट गई, तो मैं भी थोड़ी देर सो गई अब। लेकिन हम उठ गए, मैं भी उठ गई, युवान भी उठ गया, और मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख। युवनी मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से, तो मैं कुछ खाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच ही कर लूँ अपना, लंच डिनर जो भी उसको कहते हैं मैं वो कर लेती हूँ। तो मैं खाने लगी हूँ दाल और कीनुआ, जो कि मैंने कीनुआ गौरव के टिफिन के लिए भी बनाया था, तो मेरे लिए भी पड़ा हुआ था। तो मैं ये खाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं डिनर लंच जो भी कह लो करके आ गई हूँ दोनों बच्चों को लेके बाहर। मौसम बहुत अच्छा है, धूप है पर खिली खिली सी धूप है, और साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा बाहर ले जाती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बाहर वॉक पे आए हैं, और अभी तक के लिए तो दोनों अच्छे हैं, तो लेट्स सी आगे कैसे होते हैं। और मैं आप लोगों से घर जाके मिलती हूँ, क्योंकि शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुकी और युवान के साथ।
सो फ्रेंड्स, वॉक करके हम घर आ गए थे। उसके बाद मैं युवान और कुकी के साथ थोड़ा बिजी हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा पर्टिकुलर हूँ युवान के स्केड्यूल को लेके, डेली जो उसका रूटीन है उसको लेके। तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करती हूँ, ना मैं उसको बिल्कुल भी मॉडिफाई करती हूँ। तो मैं फिर बिजी हो गई थी उसको नहलाने में, उसको डिनर कराने में और फिर उसको सुलाने में। तो अब वो सो चुका है, तो मैं अब कल की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली कल है युवान की सेकंड वैक्सीनेशन। मैं बहुत ओवरवेल्ड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एंजाइटी हो रही है कि उसको इंजेक्शन लगेगा। लास्ट टाइम तो मैं अकेली गई थी वैक्सीनेशन के लिए, इसलिए गौरव भी इस पर साथ जाएगा मेरे। तो कल वो सुबह है, तो मुझे पता है हमको कल सुबह टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी करने का, और उसके बाद गौरव ने काम पर भी जाना है। तो मैं करने लगी हूँ गौरव के लंच की तैयारी और कल सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि कल सुबह हमको जल्दी निकलना है। तो मुझे है कि हम लोग थोड़ा बहुत मैं रेडी टू गो वाला काम करके रखूँ, तो हम ब्रेकफास्ट भी कर पाएंगे सुबह टाइम से, युवान को लेके भी जा पाएंगे और फिर गौरव का टिफिन भी रेडी होगा। और गौरव के कल के टिफिन के लिए मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता। तो मैंने पास्ता और ये ना फ्रोजन वेजिटेबल्स है, मैंने इकट्ठे ही डाल दिए बॉइलिंग के लिए। सेम टाइम लगता है दोनों को बॉयल होने में, तो इन दोनों को मैं बॉयल करूंगी और साथ ही एक दूसरी तरफ मैं मेरी रेड सॉस जो है उसको तड़का लगाऊंगी। मेरे पास बनी बनाई रेड सॉस है, मैं ये लेकर आती होती हूँ कॉस्को से। तो बस मुझे इसको हल्का सा वो ही करना है, क्या बोलते हैं, लाइक वार्म करना है थोड़ा सा, उसको हल्का सा सॉटे करना है और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या ना, यूजुअली मैं इस टाइम तक तो सो जाती हूँ और 5 बजे मैंने खाना खाया होता है, ठीक है, तो इस टाइम तक सो जाओ तो भूख भी नहीं लगती, कुछ पता नहीं चलता। बट अब मैं क्योंकि जाग रही हूँ तो मुझे लगी थी भूख, तो मैंने अपने लिए बना ली है मस्त सी ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी। गर्मी के दिन है तो कोल्ड कॉफ़ी तो बनती है यार, है ना। और मैंने इसमें कुछ स्वीटनर, इसमें कुछ मीठा नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा स्वीटनर ही डाला है। बाकी मेरे पास ब्रूड कॉफ़ी थी सुबह और थोड़ा सा उसमें दूध डाला है, बाकी मैंने पानी ही डाला है ताकि कैलोरीज ज़्यादा ना हो। तो मैंने थोड़ा सा पी लेती हूँ, है ना मुझे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना ऑल टाइम कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी लवर हूँ, कॉफ़ी एडिक्टेड हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये हाल है कि मैं कॉफ़ी चाहे रात को सोने से 10 मिनट पहले भी पीऊँ और लाइक शॉट भी लगा लूँ ना फॉर कॉफ़ी का, मुझे नींद आ जाती है। मुझे कॉफ़ी से कोई नींद नहीं मेरी ख़राब होती, मैं मतलब कि मैं सो सकती हूँ कॉफ़ी के 2 शॉट लगा के, एक्सप्रेसो शॉट्स लगा के। आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके साथ भी ऐसे होता है कि आपको कॉफ़ी पी के नींद आ जाती है? मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है, कभी पता भी नहीं चलता कि मैंने कभी कैफीन हिट किया है। मुझे बहुत टेस्टी बनी, एकदम ठंडी ठंडी मस्ती है और उसमें मीठा भी ज़्यादा नहीं है। बट आप ज़रूर बताइएगा मुझे हाँ कि आप लोग, और हाँ कॉलेज टाइम में अगर आप लोग को, स्कूल के टाइम में जब रात को बैठ के पढ़ाई करते थे तो क्या आप लोग कॉफ़ी पी के पढ़ते थे? मुझे कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जितनी मर्जी कॉफ़ी पी लो नींद जब आनी है तो आई जानी है, और वैसे भी जब किताबें सामने हों तो नींद सबसे अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, सोने से पहले मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, ये देखिए आप, बन गए हैं मेरे ब्रेकफास्ट रैप्स। ये वाला डिफरेंट शेप इसलिए है और ये दोनों सेम इसलिए, क्योंकि ये दो हैं गौरव के लिए और इसमें है एलोपिनोस, तो इसलिए ये है डिफरेंट। ये हो गया गौरव का पास्ता पैक और ये मैं बना रही हूँ चीज़ी ब्रेड स्टिक्स। मेरी एक ब्रेड स्टिक जो है एयर फ्रायर में ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और ये दूसरी मैं वेट कर रही हूँ डालने की। ये देखो फ्रेंड्स कितनी अमेजिंग लग रही है ना, एयर फ्रायर में ये बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, हो गया है गौरव का टिफिन पैक, ये बन गई है उसकी ब्रेड स्टिक्स, ये बन गया है पास्ता। अब मैं इनको फ्रिज में नहीं रखूंगी, बाहर ही रखूंगी क्योंकि ये गर्म है। सुबह कल मैं फ्रिज में रख दूंगी और फिर जब गौरव ने जाना होगा तभी निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है और रात के बच्चों के 11, गौरव की भी शिफ्ट खत्म होने वाली है और मैं जाके अब सोऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और फिर जाना भी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिनी जी व्लॉग्स। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।